आज भाई फाइट पर है। हाँ जी, तो आज मैंने सोचा कि ना बाइक पे ब्लॉग कर रहे हैं, तो मैंने वहाँ पर गया, चलो थोड़ा मॉडल का चक्कर भी लगा लेते हैं और थोड़ा सा बाइक की सैर भी हो जाएगी। तो बाइक के शीशे कुछ ऐसे थे। आज ये सीन है भाई, आज हम हैं बाइक पे प्रोफेसर साहब के साथ। ये प्रोफेसर साहब, हेलो। थोड़ी देर बाद ही हमें एहसास हो गया कि भैया बाइक चलाना ना हमारे बस की बात नहीं है। वैसे तो वहाँ एक्सपर्ट है बाइक चलाने में भी, लेकिन ब्लॉगिंग करना ना बाइक में बहुत मुश्किल हो रहा था और इतनी धूल मिट्टी हो रही थी कि हमने कहा यार ये हमारे बस में नहीं हुआ, बेहतर है हम वापस वहाँ के घर आते हैं और वहाँ से फिर हम लोग गाड़ी में चलते हैं। जब वहाँ के घर जब हम आए ना, तो उसका भी थोड़ा मैं कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, बल्कि मैं क्या आप खुद ही सुन लें, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ। ये वो जगह है वहाँ का ड्राइंग रूम जहाँ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर असाइनमेंट्स और ग्रुप स्टडीज पढ़ाइयाँ यहाँ पे की हमने। बहुत अच्छा खासा टाइम हमने जगह पे गुजारा है और काफ़ी अर्से बाद अब मैं वापस यहाँ आया हूँ, क्योंकि वहाँ यहाँ पे था नहीं, कोरिया गया हुआ था, अभी आया इस्लामाबाद रहता है बिल्कुल, और आजकल की वैसे कराची आया हुआ, तो मैं यहाँ पे आया हुआ था, तो वापस आके बड़ा जो है ना अच्छा लगा। बाकी है कि मैं रूम सर्वे नहीं करवा रहा क्योंकि उसकी परमिशन भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता। हाँ जी, तो ये सब करने के बाद फिर मैं वहाँ निकले कराची की सैर करने। आज हम जो है ना वहाँ के साथ फिर से हैं, सिर्फ हम मॉल जा रहे हैं। किसी कौन से मॉल जा रहे हैं? सेंटोरस मॉल जा रहे हैं। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा सेंटोरस कराची में कौन सा मॉल है जो मैंने नहीं देखा। तो जब इनसे वहां से पूछा गया तो कह रहे हैं डॉल्फिन मॉल को मैं सेंटोरस कह रहा था, इस्लामाबाद में रहते हैं तो वहीं की याद इनके जहन में। खैर अभी सेंटोरस डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन चलते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं वहां पे क्या सूरत हाल है, मॉल खुला हुआ है या नहीं खुला हुआ, क्या फूड कोर्ट का सीन है या बच्चे अलाउ करते हैं या नहीं, ये सब चीजें मुझे भी जरा पता करनी थी। तो अच्छा है आज वहां चक्कर लगा लेंगे और उसके बाद फिर आपसे वहीं मिलेंगे। तब तक फिर से वही कराची के सीन आप देखें और हम लोग जरा गपशप लगाते हैं, फिर मिलेंगे थोड़ी देर। लो भैया, तो फिर हम आ गए डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन। उसके बाद हमने पहले बेसमेंट में गाड़ी पार्क की, उसकी भी एक अलग ही पंचायत बना दी उन्होंने, जो फ्रंट से जो बेसमेंट पार्किंग वो बंद करके उसको पूरा बैक साइड से बना के 10 जगह चेक करके मास्क पहने हमें अंदर जाने दिया। खैर गाड़ी पार्किंग में लगाई, खैर मैं ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई। अब आप देख रहे हो ना वीडियो तो देख ही सकते हो। के बाद हमने फूड कोर्ट के तो बेचारों ने ना वाट ही लगा दी। आप देखें तो बिल्कुल सारी सीटिंग जो है ना वहाँ से उड़ा दी है, आप खुद ही देख लो ना। एक दो तस्वीरें ली, उसके बाद खाना तो कुछ था नहीं, तो फिर हम वहाँ से निकल गए क्योंकि हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं। बल्कि आप खुद ही सुन लेना वहाँ भाई की राय क्या है इस बारे में। भैया हाइपर स्टार से हम लोग बाहर आ गए हैं और हाइपर स्टार में कोई मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, जो है ना वो जो रौनक होती थी हाइपर स्टार की वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। एक तो नया ड्रामा, हर एक को बोल रहे हैं कि मास्क लगाएं और कहने की सोशल डिस्टेंसिंग है। कुछ शॉप्स वाले अपनी शॉप डिस्टेंस मेंटेन करवाने की कोशिश कर रहे थे पर डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे भी एफर्ट कर रहे हैं लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं है। दूसरी चीज ये, हाँ खाना खाने में बड़ा जो है ना वहाँ पे पाबंदी है कि आप कोई चीज अगर लेते हो तो आप टेक अवे कर सकते हो, वहाँ पे नहीं खा सकते। लेकिन हम जैसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी थे जो इधर उधर छुप छुप के खा रहे थे, तो हमने भी थोड़ा बहुत खापा कर लिया। मज़ा नहीं है बिल्कुल भी। 7 बजे जब कराची वालों का दिन होता है तो उन्होंने सब कुछ बंद करवा दिया। वहाँ पे आपकी क्या राय है इस बारे में, आपको कैसा लगा, क्या मॉल बनाया था आपने? सेंटोरस मॉल की फीलिंग आई या कराची की फीलिंग आ गई? पुरानी तो नहीं, नई कराची की फीलिंग।
क्या फील जो आई वो बाकी सेंटोरस मॉल वाली आई, क्योंकि वहां पे भी इतना ज्यादा कोई खास मजा नहीं आया। जो डॉल्फिन मॉल की असल रूह थी वो नहीं हमें मिल पाई और हम अब दुखी आत्मा लेके जा रहे हैं। तो ये दुखी आत्मा लेके फिर हम लोग घर जाने लगे। तो फिर एक आइडिया है कि मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो सीवी भी देख ही लेते हैं। वहाँ से फिर हम लोग सीवी चले गए। सीवी में कोई खास मजा आया नहीं, वहाँ पे भी सब बंद किया हुआ था और क्राउड मतलब थोड़े बहुत लोग थे लेकिन फिर इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई वहाँ पे। बाकी हर कराची वाले की तरह हमने भी वहाँ पे अपने कराची वाले होने का सब कुछ दिया और कुछ सेल्फीज ली, शायद आपको पसंद आ जाए, और बस फिर घर आ गए। इतना सही ट्रिप था। बाकी सेल्फीज तो आप देख लेंगे, फिर मिलेंगे आप। बस मेरे ख्याल से इसी अपने पन के साथ अपना ख्याल रखें, हम लोग चलते हैं। दुआओं में याद रखें, दुआओं में याद रखें और सब्सक्राइब कराना ना भूलें, करना ना भूलें। बिल्कुल सब्सक्राइब भी करें और लाइक का ये वाला बटन भी दबा दें ये। और बस हमें आगे दें, लॉक के चक्कर में दोनों मरेंगे। सच लिया। ये मक्खी कहाँ से ले यार? डे टू और आज फिर हम वहाँ के साथ हैं। फिर से रीटेक करो, रीटेक। डे टू टेक थ्री और स्टार्ट एक्शन। यार अजीब। दोबारा से डे टू, पता नहीं कितने टेक्स हो चुके हैं। आपको कराची घूमना था तो आप तेरा कजन भी साथ में।